देहरादून जिले में अब को दोबारा से संवारा जाएगा। ऐसे सभी तालाबों की सूची तैयार होगी जो फिलहाल खस्ता हालत में है। खस्ता हाल अमृत सरोवरों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण होने से भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दून में अमृत सरोवर योजना के तहत 108 तालाब का निर्माण हुआ था। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिले में वर्ष 2021-22 से मार्च 2023 तक 84 ग्राम्य विभाग और 24 तालाबों का निर्माण वन विभाग की ओर से कराया गया है। हालांकि विभाग को योजना के तहत 75 तालाबों के निर्माण का लक्ष्य मिला था। ग्राम्य में विभाग ने योजना में रुचि दिखाते हुए लक्ष्य से कहीं ज्यादा तालाबों का निर्माण कराया। अधिकारियों ने बताया कि कई ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर को लेकर खस्ताहाल की जानकारी मिली है, लेकिन अब इन खस्ताहाल अमृत सरोवर को दोबारा संवारने का कार्य भी किया जाएगा। ऐसे सभी तालाबों की सूची तैयार होगी जिनकी मरम्मत और सौंदर्यीकरण होना है। अमृत सरोवरों को मनरेगा योजना के माध्यम से संवारा जाएगा। तालाबों की मरम्मत और चारों ओर छायादार पौधों को भी लगाया जाएगा। इसके लिए आगामी दिनों में कार्य योजना तैयार की जाएगी। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। अमृतसर योजना के अंतर्गत जनपद में विगत वर्षों तक 108 अमृतसर निर्मित किए गए, जिसमें से 24 अमृतसर वन विभाग के द्वारा निर्मित किए गए और 84 अमृतसर ग्राम विकास विभाग के द्वारा निर्मित किए गए। वर्तमान में इन सभी अमृतसरों को कंचन विभाग संबंधित विभाग उनको हैंड ओवर किया गया है ताकि वो उसकी देखरेख करें, उसमें आजीविका संबंधित गतिविधियां संचालित करें ताकि उसका अधिकतम सत्य को और अमृतसर के बहुत आगामी उद्देश्य में पूर्ण करें।